राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की हालत काफी नाजुक है। उन्हें देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां वरिष्ठ डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। इससे पहले उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार रात उन्हें एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। दरअसल दो दिन पहले लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनके शरीर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ। इससे उनका शरीर पूरी तरह से लॉक हो चुका है और उनके शरीर में मूवमेंट नहीं हो पा रहा। वो पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे, ऐसे में चोट की वजह से उनकी हालत और खराब हो गई है। देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती कराए गए हैं लालू यादव, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। और लालू प्रसाद यादव बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पहुंचे। इसी दौरान दिल्ली से रांची लौट रहे सीएम हेमंत सोरेन ने एयरपोर्ट पर लालू यादव से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। सीएम ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी। सीएम ने लिखा है कि दिल्ली से रांची जाने के दौरान दिल्ली एयरपोर्ट पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई। उनके साथ मौजूद उनकी बेटी मीसा भारती से लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने लालू के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन बुधवार को गोड्डा के कार्यक्रम के बाद शोका कुल मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं, सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमर, देखिए, लालू यादव को देर रात दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बिल्कुल, आपने आरती सही कहा कि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब है। इस वजह से उनको एयर एम्बुलेंस से पटना से दिल्ली लाया गया। उनके परिवार के लोग उनके साथ हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव उनके साथ है, उनकी बेटी उनके साथ है। जब लालू प्रसाद यादव को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जब उतारा गया था, तो उसी वक्त सुखदेव सिंह की बेटी की जो मौत हो गई है उसको देखने के लिए हेमंत सोरेन आए हुए थे। और जब वो दिल्ली से लौट करके जा रहे थे, तो उसी दरमियान जो है उनको इस बात की जानकारी मिली कि लालू प्रसाद यादव आ रहे थे, वो उनसे मिलने के लिए गए थे। और उन ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा कि हम भगवान से दुआ करते हैं कि जल्द लालू प्रसाद यादव ठीक हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर उनकी तबीयत की अगर बात करते हैं, तो उनके बेटे ने कहा कि उनका बॉडी जो मूवमेंट है नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 3 जगह उनकी हड्डियां टूट गई है और वो गिर गए थे। गिरने के बाद जो है वो उसके फ्रैक्चर हुआ है 3 जगह, और क्योंकि उनके जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, उनके फेफड़े जो हैं उसमें पानी भर गया है, जिस वजह से उनको ये दिक्कतें हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि उनका जो किडनी है उसमें प्रॉब्लम है और लगभग वो 25% ही काम कर रहा है, जिस वजह से ये स्वास्थ्य लाभ के लिए इनको यहाँ पे लाया गया था। डॉक्टर की टीम आज से लग चुकी है उनके पूरे बॉडी के चेकअप के लिए। उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि अगर बॉडी साथ देगा और सब कुछ ठीक रहा, तो सिंगापुर उनको उनका ट्रांसप्लांट करने के लिए सिंगापुर ले जाया जा सकता है, क्योंकि ये प्लान है। लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि उनके स्वास्थ्य को लाभ हो। डॉक्टर की तमाम टीम लगी हुई है, पूरी जाँच कर रही है कि आखिर जो क्रिटिकल स्थिति में जो पहुंच गया, आखिर इसकी क्या वजह है, उसको किस तरह से इसको सुधार में लाया जाए। जी बिल्कुल। और देखिए, उनकी सेहत कितनी नासाज है, इसी से पता चल रहा है अमर, कि राबड़ी देवी वो कह रही हैं कि पूरी जनता से अपील कर रही हैं कि दुआ कीजिए कि लालू यादव जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन जिस तरह से उनकी कंडीशन बताई जा रही है कि पूरा बॉडी मूवमेंट ही लॉक हो गया है, मूव नहीं कर पा रहा उनका बॉडी, तो ये चिंताएं बढ़ाने वाली है। बिल्कुल, आप जब वहाँ पे उनको एयर एम्बुलेंस से लाया गया, जो तस्वीरें दिख रही है उसमें साफ पता चल रहा है कि उनके बॉडी, उनका शरीर, उनका जो हालत है जो काफ़ी ख़राब है। और क्योंकि परिवार के लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनकी हालत ख़राब है, और इस वजह से क्योंकि पटना में उस तरह का इलाज नहीं था, उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया। और इससे पहले भी उनको दिल्ली में ही उनका इलाज हुआ। लेंस में पानी भर जाना ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, उनका किडनी जो है वो काम नहीं करना,
और ये भी एक समस्या है जो ये कहा जा रहा है कि 25% ही काम कर रहा है। और तीसरी बात जो समस्या उनके सामने अब उत्पन्न हो गई है, क्योंकि अपने वो आवास में, पटना आवास में वो गिर गए थे, जिस वजह से उनके जो है बॉडी में चोट है, पेन है, और हड्डियां जो है वो टूटने की बात कही जा रही है, जिस वजह से उनका शरीर लॉक हो गया, वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा दिक्कत है, बड़ी समस्या है, क्योंकि एक साथ सभी बीमारियों का इलाज करना, बॉडी है उसको जितना स्ट्रेंथ होता है उस हिसाब से वो सहती है बॉडी, और अगर आप ज्यादा उसमें समस्या है तो डॉक्टर के पास या मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। दिक्कतें इसी वजह से हैं अमर, कि पहले से भी वो कई बीमारियों से ग्रसित थे, उसके बाद 3-3 फ्रैक्चर, और इस वजह से बॉडी का लॉक हो जाना वाकई परेशानी की बात तो है। लेकिन देखिए, अब डॉक्टर इलाज में लगे हैं और जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना सभी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। तो दिल्ली एम्स में भर्ती हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस बीच पत्नी राबड़ी देवी ने जनता से अपील की है कि उनके लिए सभी दुआ करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।